यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो बात करेंगे पालमपुर की। पालमपुर में 23 अप्रैल को पंजाब सरकार के अधिकारियों और हिमाचल सरकार के परिवहन अधिकारियों की बैठक होगी। अगर बैठक में प्राइवेट बस मालिकों को झांगू से पठानकोट तक के रूटों की बढ़ोतरी होती है तो हिमाचल मजदूर संघ के कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे। ये बात प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के पूर्व अध्यक्ष जसमेर राणा ने कही। उन्होंने कहा कि प्राइवेट बस मालिकों को पंजाब में जाने के लिए किसी भी तरह की समय की सारणी की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि ये बसें पठानकोट तक पहुंचेगी तो साथ लगते नंगल बद्दी पंजाब की बसों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। इसके लिए परिवहन निगम घाटा में घाटा पड़ेगा। वहीं जसमेर राणा का कहना है कि मौजूदा सरकार के पहले परिवहन मंत्री हैं जिन्होंने प्राइवेट ऑपरेटरों के साथ 6 बार मीटिंग की जबकि ट्रेड यूनियन या HRTC कर्मियों की कोई बैठक नहीं बुलाई। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रति जो रोष 3 सालों में हुआ था वो जरम सरकार के प्रति 3 महीनों में भी जनता में आ गया है।